हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, कैसे दर्ज करवाई जाती है, इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं, किस प्रकार हमें पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवानी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान ना करे कोई भी आपराधिक घटना आपके किसी जानकार या रिश्तेदार के साथ कारित हो जाए तो हमें FIR दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाना है। सबसे पहले हम ये समझें कि FIR के लीगल प्रोविजंस क्या हैं और सेक्शन 154 CRPC जिसके बारे में FIR का विवरण कहा जाता है, उसको समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 2C ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया है, वो ऑफेंस जिसके तहत पुलिस अधिकारी बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करने की अधिकारिता रखता है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया। अब हम आते हैं 154 CRPC में। फ्रेंड्स, मैं क्लेरिफाई कर दूं कि CRPC के सेक्शन 154 में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जैसा कोई शब्दावली नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली इसको FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टर्म हम लोग बोलचाल में देने लगे। 154 CRPC के कंटेंट्स क्या होते हैं? कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटना घटित हो, उसकी रिपोर्ट आप संबंधित थाने में मौखिक रूप से दें और वो थानाधिकारी उसको लिखित में लिख लें, या आप लिखित में दें और उन दोनों ही रिपोर्ट्स को जो मौखिक में दी गई है या लिखित में दी गई है शिकायतकर्ता हस्ताक्षर कर दे, वो रिपोर्ट को हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। सेक्शन 154(2) CRPC ये कहता है कि शिकायतकर्ता को उसकी एक फ्री कॉपी पुलिस के द्वारा दी जाएगी। सेक्शन 154(3) CRPC ये कहता है कि यदि पुलिस ऑफिसर उस FIR को, उस शिकायत को दर्ज करने से इनकार करे या टाला मटोली करे तो आपको अधिकार है कि आप अपने जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएं, वहां लिखित में शिकायत दें या रजिस्टर्ड पोस्ट से SP को आप शिकायत दें, वो स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अपने किसी सबॉर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वहां भी आपको कोई रिलीफ ना मिले तो सेक्शन 190 CRPC में आप उस ज्यूरिसडिक्शन में जहां घटना घटित हुई है कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएं और वहां परिवाद पत्र के रूप में लिखित शिकायत दें तो संबंधित मजिस्ट्रेट उसको सेक्शन 156(3) CRPC के प्रोविजंस में या तो पुलिस थाने भेज सकता है या स्वयं इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करे? 12 नवंबर 2013 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, केस टाइटल है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, यह प्रावधान, यह व्यवस्था दी कि किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत प्राप्त होने पर FIR दर्ज नहीं करे। ये लिखना उसके लिए मैंडेटरी है और आपका कानूनी अधिकार है। यदि वो पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्यवाही के अधिकारों की भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी। फ्रेंड्स, FIR किस प्रकार दर्ज करवाई जानी चाहिए और उसमें क्या लिखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, FIR आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहां घटना कारित हुई है उसमें जाकर मेरी राय में आपको लिखित में देनी चाहिए। उस पर हस्ताक्षर करके वो रिपोर्ट आपको पुलिस थाने में देनी चाहिए, उसमें घटना का पूरा विवरण देना चाहिए,
घटना का स्थान जहां पर घटना कारित हुई है, अभियुक्त जिसने घटना कारित की है उसका पूरा नाम पता एड्रेस होना चाहिए, घटना किस प्रकार या किन हथियारों से या किस इंटेंशन से कारित की गई वो होना चाहिए, घटना के समय कौन कौन गवाह थे उनका विवरण होना चाहिए और अंत में शिकायतकर्ता का पूरा नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि कौन FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को सर्वप्रथम तो पीड़ित व्यक्ति दर्ज करवा सकता है या पीड़ित व्यक्तियों का कोई भी रिश्तेदार, जानकार, दोस्त जिसको घटना की जानकारी हो वो दर्ज करवा सकता है, या पुलिस ऑफिसर जिसे कॉग्निजेंस ऑफेंस होने का पता पड़ा हो वो स्वयं भी दर्ज कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि FIR किस जगह दर्ज करवानी चाहिए। तो FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवानी चाहिए जिसके ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार में वह घटना घटित हुई हो। एक और प्रश्न आता है कि FIR कितने समय में दर्ज करवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि FIR घटना तुरंत होने के तुरंत बाद आपको पुलिस थाने जाकर दर्ज करवानी चाहिए। जितना भी कम से कम समय में आप दर्ज करवाएंगे वो अच्छा होगा। यदि आप किसी भी कारण से डिले करते हैं तो डिले इन FIR इज अ गुड ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग द बेल फॉर द एक्यूज्ड। अभियुक्तों को इसका लाभ मिल जाएगा और वे जमानत का लाभ शीघ्रता से ले सकने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको शीघ्र अतिशीघ्र घटना के बाद FIR दर्ज करवानी जानी चाहिए। एक और क्वेरीज आप लोगों की आती है कि क्या टेलीफोन पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने तोहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में यह निर्णय दिया कि यदि टेलीफोन पर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है और वो उसको लिखित में लिख लेता है, दर्ज कर लेता है, और बाद में शिकायतकर्ता सही नाम पता एड्रेस जाकर तथा हस्ताक्षर बाद में भी कर देता है, तो ऐसी टेलीफोनिक सूचना को कानूनी रूप से सही प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया। अब आज के जमाने में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो क्या आप लोगों की क्यूरी आती कि क्या FIR को ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे राज्यों में, हमारी कंट्री में ऐसी व्यवस्था है कि FIR को ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है। आपको, आपने जो FIR दर्ज करवाई है उसका PDF ऑनलाइन आपको फ्री कॉपी मिलेगा। लेकिन अभी तक ये व्यवस्था पूरी तरह पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू और कारगर नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आपको पुलिस थाने में व्यक्तिगत रूप से जाकर लिखित में FIR दर्ज करवानी चाहिए। उसमें आप घटना का पूरा विवरण दीजिए, FIR को जल्दी से जल्दी करवाइए, फ्री कॉपी जरूर लीजिए और आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।